गलियों की सफाई पर सबसे ज़्यादा सखरे हुए पार्षद बंटी राणा। स्वरूप नगर वार्ड की भलसवा जय जय कॉलोनी के D1 में सफाई कर्मियों के साथ पहुंचे बंटी राणा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज़। बादली विधानसभा से वार्ड नंबर 19 से निगम पार्षद जोगिंदर सिंह बंटी राणा ने आज जय जय कॉलोनी के D1 इलाके का किया दौरा, साथ ही सैकड़ों सफाई कर्मियों के साथ इलाके में रहे मौजूद। काफ़ी समय से बंद पड़े नाले और नालियों की कार्रवाई गई सफाई, साथ स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और बहुत जल्द समस्याओं को दूर करने का दिया गया आश्वासन। पार्षदों के कामों को देखकर इलाके के लोगों ने किया फूल मालाओं से जोरदार स्वागत। बादली विधानसभा के वार्ड नंबर 19 के निगम पार्षद जोगिंदर सिंह बंटी राणा ने आज अपने वार्ड के जय जय कॉलोनी में स्थित MCD स्कूल और डिस्पेंसरी के साथ D1 ब्लॉक का दौरा भी किया, जिसमें उन्होंने वार्ड के अंदर मौजूद समस्याओं का जायज़ा लेते हुए स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और बहुत जल्द ही उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। साथ ही आज 100 सफाई कर्मियों की टीम को लेकर जय जय कॉलोनी के D1 ब्लॉक में संयुक्त सफाई अभियान का ड्राइव चलाकर जय जय कॉलोनी के इलाके में सभी नालियों और गलियों को साफ सुथरा किया गया। इलाके के लोग भी अपने निगम पार्षद को अपने बीच पाकर बहुत खुश नज़र आए। उनका कहना था कि जो भी निगम पार्षद पहले बने थे, उन्होंने जीतने के बाद इलाके में शक्ल भी नहीं दिखाई, लेकिन अब चुनाव आता है तो वोट मांगने आ जाते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे इलाके की लगभग 70% समस्याओं का समाधान हो चुका है और बाकी के काम के लिए पार्षद ने हमें भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द बची समस्याओं को दूर किया जाएगा। फिलहाल वार्ड नंबर 19 के आम आदमी पार्टी के पार्षद द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से स्थानीय लोग खुश नजर आए हैं। वैसे भाई टूर रोल है जोगिंदर जी, इलाके का दौरा किया आपने आज और क्या किन किन जगहों का दौरा किया? आज मैं बताना चाहूंगा आपको, आज 20 शहरों में मेरा दौरा था, जो कि मैंने मेगा अपना अभियान चलाया सफाई का, जिसमें कि मेरे 100 कर्मचारी थे। यहाँ पे 100 कर्मचारी में मैंने एक एक गली के अंदर जो सुविधा समस्या थी, उस समस्या को हल करने के लिए मैंने हर गली के अंदर 10-10 टीम बना के तो सफाई चालू कराई मैंने। इसमें साथ ही लोगों की अन्य समस्याएं भी थी जो आप सुन रहे थे, उनको क्या आश्वासन दिया है आपने, कब तक उनकी समस्याएं? मैं आपको एक आपकी संज्ञान में बात लाना चाहूंगा कि आप 6 महीने पहले इसकी हालत देखते तो यहाँ पे निकलने की भी सब निकल जा नहीं सकता थी रस्ते से, था। लेकिन आप ये देखिए कि आप गली के अंदर आप जाइए, एक बार जाके देखिए, जहाँ जहाँ कोई दिक्कत थी वो समस्या पूरी हल कर दी है मैंने। लेकिन ये है कि अभी 70% तक हुई है और ऊपर वाले चाहिए तो 6 महीने के अंदर मैं आपको फिर दोबारा आपके बीच में आऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या काम किया है। सबसे बड़ी तो गंदगी है, सफाई की बड़ी समस्या है सबसे पहले तो, मैं क्योंकि रोड की समस्या थी, रोड तो कम्प्लीट हो चुके हैं, कुछ गलियां रह चुकी हैं तो वो भी पूरी हो जाएंगी अभी। बंडी जी, आपने सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विभाग से MCD से भाई, पहले हमने जैसे स्कूल का भी दौरा किया, मैंने स्कूल में भी आपको मैंने दिखाया होगा कि सफाई की बड़ी समस्या है थोड़ी सबसे पहले, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं संज्ञान में लिया। कुछ डेस्क की कमी है वो भी पूरी करवा रहा हूँ, स्टाफ में भी कुछ कमी आया है वो भी पूरी करवाऊंगा। अब डिस्पेंसरी में गया था मैं, डिस्पेंसरी में देखा क्योंकि मैं पहला राउंड था डिस्पेंसरी में, पहले मैं गया नहीं था। जो समस्या जैसे आशा वर्कर के वहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं है, पंखे नहीं है, पानी का कूलर नहीं है, बाथरूम की समस्या है, तो सारा संज्ञान ले लिया आज मैंने, तो जल्द से जल्द सारा मैं काम पूरा करा कर दूंगा मैं इसको। इलाकों के लोगों का और संज्ञान में फिर दोबारा मैं बताना चाहूंगा, पानी की समस्या पूरी दिल्ली की, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये मेरा वार्ड है जो स्वरूप नगर, इसमें आबादी है 4.5 से 5 लाख की आबादी है और आप देखेंगे वोटर है इसके अंदर 70 से 73 हजार वोटर है। आप देखेंगे समस्या तो पानी की हर उसमें है, लेकिन ये समस्या भी जल्दी जल्दी हल करेंगे हम, जल्दी से जल्दी। विधायक से मेरी बात चल रही है, वाटर ट्रीटमेंट प्लान की भी बात कह रहे थे आप, वो कहाँ लग रहा है और कितने समय बाद में लग? ये बहुत जल्दी है, जल्दी 1 महीने के अंदर हो जाएगा, विधायक जी से मेरी बात होगी, बहुत जल्दी काम हो रहा है इसमें। सर, किस तरह से आज इलाके में पार्षद जी के साथ आप लोग दौरा कर रहे हैं और हाल ही में आपको विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया गया, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। काम के बारे में बात करेंगे सर, क्या कुछ काम यहाँ पे चल रहे हैं अभी? बस काम तो युद्ध सत्र पे चल रहा है, दिल्ली सरकार जो है अपने जो काम है जो उसमें पूरे वचनबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारे पार्षद जी हैं जोगिंदर राणा जी, जिस दिन से जीते हैं उस दिन से आप पता कर सकते हो हर स्कूल में भी कितने दौरे हो गए उनके,
आज भी यहाँ पूरे उस इलाके में करीब 100 कर्मचारी हमने स्पेशल लगा रखे हैं। पूरी सफाई अभियान का पूरी ड्राइव चल रही है, पूरी एकदम सफाई ड्राइव के बाद हमने अभी डिस्पेंसरी का विजिट किया है, अब स्कूल में यहाँ फिर आए हैं। सर, डिस्पेंसरी की विजिट किए, क्या समस्याएँ निकल के आई हैं? इसमें समस्याएँ वहाँ पर मेन तो जो एक तो लोगों की सुनवाई ढंग से नहीं हो पा रही थी, ना तो वहाँ स्टाफ पूरा हो पा रहा है, ना कुछ सिस्टम बन पा रहा था। उसके लिए कितना समय दिया आपने, कितने दिनों का समय दिया आप लोगों ने, और उसके बाद स्कूल में क्या कुछ समस्याएं रही? स्कूल में समस्याएं तो भाई साहब देखो, आप इतने सालों की जो समस्याएं हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं जो केजरीवाल जी ने कहा है ना कि भाई इसको चमका देंगे और ऐसी शिक्षा बना देंगे कि जो नर्सरी से जो अब नीम जो है ना, नीम ऐसी हो जाएगी कि भाई बच्चा कहीं भी जाए तो उसको दिक्कत नहीं आएगी।